हेलो एवरीवन, अलग अलग बीमारियों को बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि मुझे बुखार है, तो इसको कहने का सबसे आसान तरीका, और हम बचपन से कहते चले आ रहे हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। जुकाम के लिए भी हम यही कहते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, या खांसी के लिए भी, आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉफ। लेकिन इसी बात को आप ये भी कह सकते हैं, आई एम डाउन विद फीवर, आई एम डाउन विद कोल्ड, या आई एम डाउन विद कॉफ। तो आप आई एम डाउन विद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बीमारियों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जुकाम के लिए ये भी कह सकते हैं, आई हैव कॉट अ कोल्ड। ये भी एक तरीका होता है कैच अ कोल्ड वर्ड का इस्तेमाल करना, और कह देना आई हैव कॉट अ कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया है। लेकिन अगर किसी बड़ी बीमारी को बताना है, जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि उसे कैंसर है, हेपेटाइटिस है, तो इसे कहने के लिए हम सफरिंग फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए स्टैंडर्ड वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो है ही इज डायग्नोस्ड विद कैंसर, ही इज डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस बी या सी। इसी तरीके से आपने कोरोना के बारे में सुना होगा, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ही इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना, या ही इज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। तो आप इस तरह से आई एम सफरिंग फ्रॉम का, आई एम डाउन विद का इस्तेमाल छोटी बीमारियों के लिए कर सकते हैं। बड़ी बीमारियों के लिए ही इज डायग्नोस्ड विद का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ही इज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर, और उस डिजीज का नाम आप लेके बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें से सीखने के लिए कुछ नया मिला होगा। हम फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।